हो जाएगा जौन है तौल से, और फिर इसमें दिक्कत ही क्या है, है? और बम्बई में तुम्हारा बड़ा भाई शिव भी तो है जौन है तौल से। वेरी राइट, वेरी राइट। आपने तो कह दिया जॉन है तौल से, मगर आप जानते हैं बाबू जी को अंग्रेजी दवाई से सख्त नफरत है। बात तो बहादुरी की करते हैं मगर सुई से डरते हैं जॉन है तौल से। और फिर उन्हें समझाए कौन? आप समझा सकते हैं जी? मैं नहीं, तू समझा सकता है बेटा। मैं? सिर्फ तू। आखिर तेरे बाबूजी हैं और फिर तू उनकी सेवा भी कितनी करता है, हैं? ठीक है, तू ने समझा। मैं जा रहा हूँ मरीज देखना है बेटा, जब उन्हें कौन से है। अरे वैजी, अरे आप मुझे समझा रहे हैं? ये साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लेने से सफाई नहीं होती, घर और मोहल्ला भी साफ रखना पड़ता है। सब लोग अपना अपना मोहल्ला साफ रखेंगे तो सारे शहर की सफाई हो जाएगी। अरे मैंने गांधी जी के साथ सफाई अभियान में कहाँ कहाँ झाड़ू नहीं लगाए, और एक आप लोग हैं। अगर आप लोगों को शर्म आती है ये काम करने में तो कल आकर मैं यहाँ झाड़ू लगा दूंगा। चिंता न करें। हाँ बाबू जी, वो सड़क। हाँ रतिशंकर जी, वो स्कूल वाली सड़क बहुत जल्दी बन जानी चाहिए। आप म्यूनिसपैलिटी में जो नए अफसर आए हैं ना, उनसे जाकर मिलिए और उन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छा। गांधी जी के साथ आजादी की जंग में चला हूँ मैं जी। ताम्र पत्र मिला है मुझे जी। मेरा नाम लेंगे ना, देखिए फिर काम कैसे फौरन होता है। चाहिए? अरे राधे जी, भैया बाबू जी को देखा क्या? अभी अभी यहीं आए थे। यहीं तो थे अभी, चार को यहाँ डांटे थे और चार को वहाँ डांटने चले गए। ठीक है। क्यों बे, सारा दिन खेलता ही रहता, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? कहाँ तेरा बाप? राम राम बाबू जी। क्यों आरिया, तेरा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? बाबूजी इसे स्कूल तो हम रोज छोड़ के आते हैं मगर ये रोज भाग आता है। सोचता हूँ बाबूजी मैं इसे अपने साथ खेत में ही लगा लूँ। अरे खेतों में लगाकर बैल बनाएगा क्या इसका? जानता है हमारे शास्त्री जी